नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस के ताजा तूफान ने देश के स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोल दी है। देश के अधिकतर हिस्सों में अस्पताल के बाहर भीड़ है, बेड्स की कमी है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो बन गई है वह है ऑक्सीजन की किल्लत। दिल्ली हो या लखनऊ, ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर हर जगह मारामारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तालकटोरा के पास ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर आम लोगों की भीड़ है। यहां लोग दूर दूर से ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवाने आए हैं, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है और परिजनों को मरीजों के लिए खुद ही ऑक्सीजन लाना पड़ रहा है। लखनऊ के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन न होने के कारण मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और इलाज के लिए तड़पना पड़ रहा है। कई अस्पतालों में किल्लत के बाद मरीजों के परिजनों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। यही वजह है कि परिजन इधर से उधर सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए दौड़ रहे हैं। रिफिलिंग सेंटर पर पहुंचे लोगों का कहना है कि अस्पताल वाले सीधे ही मना कर रहे हैं और सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन ला पाए तभी अस्पताल में मरीज को एंट्री मिलेगी। ऐसे में लोगों को लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में घूमना पड़ रहा है और ऑक्सीजन भरवाना पड़ रहा है। लखनऊ के रिफिलिंग सेंटर्स के बाहर हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पुलिस को यहां पर तैनात करना पड़ा है, क्योंकि लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुलिस यहां व्यवस्था करने में जुटी है। प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रदेश की जरूरतों के हिसाब से केंद्र सरकार को वक्त वक्त पर जानकारी दी जाए ताकि प्रदेश को पर्याप्त सप्लाई मिल सके। बता दें कि कोरोना संकट के कारण उत्तर प्रदेश की हालत खस्ता हो गई है। बीते दिन प्रदेश में 30,000 के करीब कोरोना के केस आए, जबकि 162 लोगों ने दम तोड़ दिया। लखनऊ में तो काफी बुरी हालत है। यहां कई अस्पतालों में बेड्स की किल्लत है। प्रदेश सरकार ने अब कई अस्पतालों को पूर्ण रूप से कोविड अस्पताल बनाने का निर्देश दिया है। इसकी मदद से 1500 बेड्स बढ़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।